अच्छा शफाद, क्योंकि आप इतनी मिमिक्री करते आ रहे इतने सालों से, सबसे जो फ़ोन करके ख़तरनाक किस्म का कमेंट आपको या थ्रेटनिंग किसी की तरफ से कॉल या मैसेज आया, वो किसका था आज बता दे नाम। बहुत लोगों ने, अच्छा फ़ोन वाले जो है ना वो एक ज़माने में होते थे, अब लोग बुलाते हैं सामने। अच्छा तो जब फ़ोन आते थे वो किस नौयत के आते थे? यार फ़ोन आते थे कि भाई ये जो आप हरकत कर रहे हैं ना ये ठीक नहीं है, और वो अपना पहले पूरा तारुफ आरुफ करा के, मतलब उस वक्त जब ये काम शुरू हुआ था नया नया, तो बाकायदा उस वक्त सेनेटर्स के ना, तीन सेनेटर्स ने वो बनाया था अपना एक इत्तेहाद बनाया था, एक महाज बनाया था, और उस महाज में उन्होंने कहा था कि यार ये एक गलत प्रैक्टिस शुरू हो गई है, और हम लोग इलेक्टेड हैं, हम लोग आवाम का नुमाइंदे हैं, वोट लेके आए हुए इतने लाखों लोगों के, तो हमारा मजाक उड़ सकता है, लोगों के जज्बात मजरूह होते हैं। उन्होंने एक पटिशन जमा करा दी थी, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया, पटिशन गुजारा को भी लगी नहीं हो उसने लिफ्ट नहीं कराई, तो उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया, और उसके बाद बुला के उन्होंने मुझे ओवर द कप ऑफ टी उन्होंने कहा कि भाईजन ये हरकत जो है ना नॉट ठीक, प्यार से एक दफ़ा हो गया, फिर उसके बाद उसके अंदर एग्रेशन आना शुरू हुआ, सोशल मीडिया ट्रोलिंग शुरू हो गई और बढ़ती गई। तो मैंने अपने ना उस वक्त जा रहे अपने सारे सीनियर जो जर्नलिस्ट बरादरी के जो सीनियर लोग थे उनसे हम पूछते थे कि भाईजन ये सब कुछ जो हो रहा है क्या करें, उन्होंने कहा अगर ये लोग गुस्से में आ रहे हैं तो उसका मतलब है तुम ठीक काम कर रहे हो, अगर ये तुम्हारी तारीफें कर रहे हैं ना तो उसका मतलब है कोई गड़बड़ की है, तुमको गलत काम। यार डर नहीं लगता बिकॉज़ वी ऑल नो के किस तरह की सिचुएशन। यार सर लोगों ने मतलब अब वो नेशनल प्लेटफॉर्म में कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन लोग आखिरी हद तक गए हैं। अच्छा आखिरी हद तक गए हैं, यानी वो ये चाहते हैं कि वो अपने एटीट्यूड से, अपनी जुबान से, अपने रवैये से या किसी दूसरे मानों से आपको थ्रेटन करें या आपको ये कहें कि दे डू नॉट अप्रूव दिस, लेकिन ये बाजू कहते हैं इसके अंदर मैं कहता हूँ कि एक मज़ाहमती अदब भी है कि अगर आप लोग जो है ना सियासत में कोई एक बात सुनना चाहते हैं और उनको नहीं सुनाई देती और आप वो बात कह देते हैं किसी दूसरे अंदाज में, तो आपने तो कह दिया ना, आपने अपने अपने हिस्से की बात कर दी बगैर किसी को ऑफेंड किए। तो भाभी इस तरह की सिचुएशन में आपका क्या रिएक्शन होता है? मैं तो इनको काम डाउन करती रहती हूँ, काम डाउन। अच्छा सही कह रही है बेचारी, क्योंकि ये कभी कभी कुछ सिचुएशन में ना कुछ कमेंट्स पढ़ के बहुत ज्यादा ऑफेंडेड फील करते हैं और फिर उसके बाद इनको लगता है कि बस स्टेप बैक कर लेना चाहिए, तो मैं कहती हूँ इट्स ओके। अच्छा बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें। अरे वाह 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 क्या बात है भाई, आप लोगों ने भी आई एम श्योर ट्रोलिंग बहुत फेस की होगी। क्या आप लोगों में से ज्यादा सीरियसली कौन लेता है उसको कि मैंने दिल पे ले लिया, या दोनों आप चिल रहे हैं इस मामले में? दिल पे तो कोई भी नहीं लेता, गुस्सा थोड़ा ज्यादा कोई करता है बस। लेकिन अब इतनी आदत हो गई है, मैं पहले मैं कमेंट्स नहीं पढ़ता था, वरीशा की वजह से आप चूंकि कमेंट्स वगैरह पढ़ती है तो मैं पढ़ना शुरू हो गया थोड़े बहुत कमेंट्स, लेकिन हम लोग की इतनी थिक स्किन हो गई है ना, जो सामने जो भी लिख रहा है ना उसने लिखना ही लिखना है, आप उसको करेक्ट कभी नहीं कर सकते, उसको समझा कभी नहीं सकते, तो लिख रहा है लिखता रहे भाई, अगर ये करने से तेरे दिल को इत्मीनान मिल रहा है तो कर ले भाई। वो इतनी चीज अब अफेक्ट नहीं करती, अब आदत हो गई है मुझे। मैं तो मैं इस पे ऐसे एक और बात करता हूँ, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ना ये एक बाकायदा पेड इंडस्ट्री है, ये अब लोगों को पैसे मिलते हैं ट्रोलिंग करने के, तो मैं अरे हाँ भी है ही हर जगह पे, अरे हर तरफ है, बहुत सारी जगहों में ऐसे कह रहे हो जैसे हमारे यहाँ नहीं, बहुत सारी जगहों से बता दी कि आप मतलब सिर्फ सियासत तक महदूद नहीं है, ये बात ब्रांडिंग पे भी है, कोई टीवीसी चलता है अगली जो है ना उसको, मैं कहता हूँ इस चीज को मैं ये पॉजिटिव रखें कि यार आप कितने खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह पाक ने किसी का रिस्क आपको गाली देने में रखा हुआ है। ये भी कितनी अजीब बात है ना कि अगर मिल रहा है उसको रिस्क यार तू खुश रहा। अच्छा मुझे अभी रिसेंटली किसी ऑल्सो समबडी इन द पब्लिक आया, उन्होंने बड़ी मजे की मुझे बात बताई, उन्होंने कहा यार कि आई डोंट ब्लॉक एनीवन नाउ, मैं ये करता हूँ कि मैं कमेंट्स पे रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ, सो ताकि वो देखते भी रहे, कुड़ते भी रहे, कमेंट भी करते रहे और उनके कमेंट को पढ़े भी ना। मैंने कहा यार ये बहुत अच्छा आइडिया है, तो तब से मैंने भी अभी ये डिसाइड किया मैं ब्लॉक किसी को नहीं करूंगा, मैं सिर्फ रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा। यू गॉट टू मेक देम, यू गॉट टू कंटिन्यू टू मेक देम जेलस एंड मेक देम फील कि यार कि वो यही कर सकते हैं बस दूसरों पे नंकी। अभी एंड यही है ना कि आप में से हिस्ट्री के राइट एंड पे इन द एंड कौन खड़ा हुआ, ये मेन चीज है। अब अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह ट्रोलिंग एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन गई है कि हमारे बड़े सीनियर लोग जिनको हम कहते थे कि यार ये नहीं कर सकते का, वो भी इस मैदान में बाज़ाब्ता कूद चुके हैं और उनका बस अब ये उनको लग रहा है कि इससे ये रेलेवेंस मिलती है ऐसे, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ना हमें भी ज़रा कैलकुलेट करने की जरूरत है कि कहीं हम भी ऐसा ना हो कि इको चैम्बर्स में चले जाएं जहां सिर्फ हमें हमारे जैसे लोगों की आवाज़ें सुनने को मिलती है। हर तरह का एक
वो लेना चाहिए कि लोगों की पल्स क्या है और बज क्या है, ताकि उसके हिसाब से हमारी क्वालिटी इंप्रूव हो। ऐसे अच्छा, आप लोग ड्रामा इंडस्ट्री को फॉलो करते हैं, ड्रामे वामे देखते हैं, क्योंकि एक्टर्स और सोशल मीडिया के जो हमारे हैं ना स्टार्स, आप तो क्योंकि दोनों के साथ आपकी माशाल्लाह दोस्ती भी, आप हैंग आउट करते हैं, आपकी आई सपोज कि एक्टर्स के साथ शायद इतनी है मुलाकात? बिल्कुल है, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में काफ़ी पहले से हूँ। वो ऐसे क्योंकि मेरे वालिद साहब जो थे, उनका इंतकाल हो गया, वो एक टीवी आर्टिस्ट थे, तो सारा इंडस्ट्री में सबको जानना देखना, बचपन से शूटिंग देखना, वो एक मेरा माहौल इस तरीके का रहा है। तो हाँ, पता है इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, कौन सा ड्रामा चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, कहाँ क्या हो रहा है, तो वो चीज़ पता रहती है हम लोग को। बट यूजुअली ये मैंने थोड़ा सा नोटिस किया है कि जो हमारे टीवी एक्टर्स हैं वो डिसमिसिव हैं थोड़े से ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कह लें या कॉन्टेंट क्रिएटर्स कह लें, ये बात आपको महसूस होती है कभी कि यार पता नहीं वो एक देर ऑन हाय के कुछ उनको लगता है कि पता नहीं? बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे वो भी अभी काफ़ी सारे एक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया है। बिल्कुल, वो लोग भी जो है अब आहिस्ता आहिस्ता इस फील्ड को देख रहे हैं कि नहीं यार इसमें पैसे भी हैं, इसमें यू नो की वजह ये भी है कि जो इन्फ्लुएंसर मार्केट है उसने सेलिब्रिटीज को रिप्लेस कर दिया। ये बात है, असल बात भाभी ले गया है, ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लॉट ऑफ बिजनेस इज गोइंग टू सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, क्योंकि ब्रांड्स वांट टू वर्क विद पीपल हु हैव इन्फ्लुएंस ऑन नॉर्मल पीपल, तो इसकी वजह से भी। जबरदस्त यार, ईद का मौका तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका मुंह मीठा ना कराया जाए? बिल्कुल ऐसा हो सकता है शबाज, जैसे कि ये ऐसा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये आपने बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे इस चीज का, मुंह मीठा का। अब आपने और इंतजार नहीं करना, आपने मुझे फॉलो करना। यही समझा जी, ये जो आपने ये लिए बोतल में चाय, वो शीर खुरमा, ये तो ट्रेसमे का है, इसमें बड़ा खूबसूरत पैकेज है जैसे आप लोग देख सकते हैं, हेयर केयर के लिए और आपकी ब्यूटी रूटीन के लिए। एंड में आपके साथ जाएगा, लेकिन जाएगा खुद ही ले जाना पड़ेगा। हाँ ये चलता है, अच्छा चलता है। क्या बात, आए ना, आए आए किचन की तरफ आए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मुझे प्लीज यहाँ पे ज्वाइन करें। देखें, एक बड़े मशहूर आदमी ने कहा था, देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच, फ्री मील। तो ये यहाँ पे मीठा तो मौजूद है, खुद ही बनाना है, लेकिन आपने इसको खुद बनाना नहीं है, डेकोरेट करना है। ओके, तो एक साइड आपकी, एक साइड आप दोनों की। तो इसको हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आप ये जो इंग्रेडिएंट्स आपके पास मौजूद हैं इनके जरिए आप इसको थोड़ा सा गार्निश करें, थोड़ी सी प्रेजेंटेशन जरा बेहतर बनाएं। सही, ओके, फिर हम आपको मीठा भी खिलाएंगे उसके बाद। सही है, ठीक हो गया, आप अपनी टास्क समझ गए? समझ गए। ठीक है, आप दोनों इस तरफ आ जाएं और आप दोनों इस तरफ आ जाएं। ठीक है भाई, ठीक हो गया। इसमें मैं अपने खुद से एक टाइमर करूं। मैंने क्या करना? आपने हेल्प करना ना अपनी वाइफ को भाई। अच्छा, और ये चूल्हा गाय को रखा? चूल्हा रखा हुआ है, कुछ भी पकाना पड़ सकता है। अच्छा। अगर आज हमें देर हो गई यहाँ पे, सही है, तो हम यहीं पे अपना खाना वाना खा लें। मच्छर मार दिया। आप छा गए शफात, मैं आपसे इंप्रेस। स्पाइडरमैन चल रहा हूँ यहाँ पे, जबरदस्त। तो अब ये जी आपका वक्त हुआ, शुरू होता है अब। जी करें आप, जी ये टिश्यू नहीं, ये तो पकड़ा है, ये लो, उसी को डेकोरेट। अच्छा, उसी को डेकोरेट। अरे वाह वाह, अच्छा बताओ क्या प्लान, क्या मंसूबा, क्या? मेरा तो दिल था कि अजलान और आपको छोड़ देते कि आप दोनों करें, मेरा परेशान है ना, ये बेहतर होता। अच्छा, अब इसको खोल दिया, अब पता चलेगा ना सुगड़ कौन है दोनों मियाओं में।